कल हमने पढ़ा था ये वाला प्रश्न जिसमें चरखी और हुपला की सवारी थी और कुल बीस रुपए का खर्च था अब और उसका हमने ग्राफियन निरूपण भी किया था अब आगे हम देखेंगे कि ग्राफ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं किस प्रकार से होती हैं समांतर रेखाएं है? किस प्रकार से होती हैं मान लो कोई दुरेखा समीकरण है दो रेखाओं का समीकरण है तो वह कम से कम केवल और केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे और यदि प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो वो समांतर भी हो सकती हैं या रेखा हमारे तीसरी टाइप की हो सकती है कि हो सकता है दो रेखाएं हैं तो एक के ऊपर दूसरी रेखा भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे को पूर्णतः ढक लिया है दो रेखाएं हैं या तो वो हमारे पा, पास आपस में प्रतिच्छेदित करेगी या फिर समांतर रहेगी या अंतिम है कि एक दूसरे को ढक लेगी तो इन सब के बारे में हम आगे समझेंगे अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल लगाकर देखते हैं भिन्न के अंश व हर में दो जोड़ने पर भिन्न का मान चार बटे पांच हो जाता है यदि और यदि उसके अंश और हर में दोनों में चार घटाया जाए तो भिन्न का मान एक बटे दो हो जाता है इस स्थिति का बीज गढ़ती है और आलेखीय निरूपण कीजिए देखिए क्या लिखा है यदि भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दें तो पहले हमें अंश और हर बताना पड़ेगा कि क्या है हम मान लेंगे कि माना माना बराबर वाई अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई, वाई मान लिया अब उन्होंने कहा है भिन्न के अंश व हर में दो जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है चार बटी पांच देखिए हम लिखेंगे जैसे अंश बटे हर मतलब एक्स बटे वाई ये हो गई हमारी भिन्न इसमें यदि हम दो जोड़ दें अंश और हर में दो जोड़ दें तो भिन्न का अंत तो जोड़ें दो दो जोड़ दिया अंश में और दो जोड़ दिया हर में तो इसका मान कितना हो जाता है चार बटे पाँच देखिए अंश हर में दो जोड़ने पर कितना मान हो रहा है चार बटे पांच हो रहा है अब लिखा तो इन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो अगली क्या कंडीशन दी है उन्होंने यदि अंश अंश और हर दोनों में से चार घटाया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है एक बाटा दो तो मतलब अंश व हर में से चार घटाना है एक्स माइनस चार बटे वाई माइनस चार इक्वल टू कितना मान हो जाता है एक बटा दो मान हो जाता है ये हमारा हो गया समीकरण दो इक्वेशन नंबर टू ये दो कंडीशन दी हैं अब हमें बीज गढ़ती है और आलेख निरूपण करना है कुछ नहीं बहुत सरल है जैसे हमने कल किया था वैसे ही इस दोनों समीकरणों को या तो x के बराबर में लिख लेंगे या वाई के बराबर में लिख लेंगे इस टाइप में लिख लेंगे और फिर हम ग्राफ बना लेंगे एक समीकरण का एक ग्राफ पे रेखा होगी और दूसरे समीकरण की भी रेखा उसी ग्राफ पर होगी मतलब एक समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा अलग अलग लिखेंगे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को हल करेंगे और वाई के बराबर में या एक्स के बराबर में पूरे समीकरण को चेंज कर देंगे चलिए देखते हैं पहला समीकरण पहले समीकरण है ये वाला एक्स प्लस दो गुणा पाँच हो जाएगा और यहाँ वाई प्लस दो गुणा में चार चला जाएगा ये है देखिए ये इक्वेशन चला जाएगा इसके साथ और ये पाँच चला जाएगा इस ऊपर वाले के साथ देखिए वही हो गया नीचे अब बस इक्वेशन कर दीजिए फाइव एक्स चलिए देखिए पूर्व समीकरण को हम बाई के बराबर में कर देंगे इसलिए यहाँ चार बाई ही रहने लें देंगे प्लस देखिए दस में से ये जो आठ प्लस के साइड माइनस में आएंगे दस में से आठ कर कितने बचे दो बचे अब कुछ नहीं करना है वाई के बराबर पाँच बटे पाँच एक्स प्लस दो बटे चार ये हो गया हमारे वाई टाइप में इक्वेशन कितना फाइव एक्स प्लस टू अपन फोर इसको हम सुरक्षित रख लेंगे सुरक्षित करके रख लिया सेम टू सेम सेंट इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर दूसरा जिसमें एक बटे दो लिखा है उसे कर लेंगे इस समीकरण को हमने यहाँ पर लिख लिया है अब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे किस टाइप में वाई, टाइप में वाई के टाइप में लिख लेंगे वाई इक्वल टू के टाइप में लिख लेंगे चलिए देखिए एक्स माइनस फोर इंटू टू यहाँ पे आ जाएगा और ये जो नीचे लिखा है वाई माइनस फोर ये इस साइड चला जाएगा तो देखिए वाई माइनस फोर टू एक्स माइनस फोर सॉरी एट वाई माइनस फोर माइनस के फोर इस साइड आ जाएंगे कितने बचेंगे देखिए यहाँ से बचा वाई वाई बराबर लिख लेंगे हम इसे टू एक्स माइनस फोर ये समीकरण हमारा हो गया चौथा ऐसे भी हम नोट कर लेंगे देखे। ये देखिए ये दूसरा रेखा का समीकरण है वो भी हमने y के बराबर में निकाल लिया अब कुछ नहीं करना है x का मान हम वन टू थ्री फोर फाइव रखते जाएंगे और देखेंगे y का क्या मान आ रहा है तो x का मान वन रखने पर y का क्या आएगा x का मान टू रखने पर क्या आएगा x का मान थ्री रखने पर y का मान क्या आएगा x का मान चार ऐसे रखने पर सेम टू सेम इसमें और जो मान आएगा वो हम ग्राफ पर पॉइंट करते जाएंगे वो हम ग्राफ पर पॉइंट करते जाएंगे चलिए देखिए देखिए इसमें की वैल्यू हम अपने आंसर रख देंगे जो भी हमारा मन है जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन एट नाइन जो भी रखना है वो अब जैसे मान लो हम जीरो रखेंगे तो खुद अंदाज लगाइए यहाँ जीरो हो जाएगा कितना बचेगा दो बटे चार दो बटे चार आने से क्या होगा हमारी जो वो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी किस में आएगी पॉइंट में चलिए देखिए तो जीरो का तो पता चल गया अब पॉइंट में आएगी तो ऐसा नहीं हम रख नहीं सकते रख सकते हैं लेकिन हमें फिर उसके लिए चाहिए एक्यूरेट जो बिल्कुल सटीक ग्राफ बैठे और अभी हम ग्राफ सिर्फ बता रहे हैं किस पे आपको इसी पेड पर बता रहे हैं इसलिए चलो अब वन रख के देखते हैं वन टू तो फाइव सिक्स सेवन अब सेवन अपॉन फोर रहेगा तो भी वैल्यू को इसमें आएगी पॉइंट में आएगी चलिए अब टू देखते हैं दस दो बारह तिया बारह इसमें देखिए पूर, एक पूरा अंक आ रहा है। पूरा अंक आ रहा रहा है है पूरा तो हम रखते हैं की वैल्यू कितनी माना तब बराबर तब पांच गुणे दो प्लस दो बटे चार तो देखिए वाई बराबर दस प्लस दो बटे चार दो बारह बटे चार मतलब वाई बराबर तीन वाई बराबर तीन कब आया जब हमने एक्स बराबर दो रखा चलिए देखिए तो चलिए इनके पॉइंट को नोट करते हैं ये ब्लैक कलर का पहले समीकरण के लिए जो जहाँ ये लिखा तीसरा ये और जो ब्लू कलर का है वो चौथे समीकरण के लिए मतलब दूसरी रेखा के समीकरण के लिए क्या वैल्यू आती हैं जब हमने पहले रेखा के समीकरण में एक्स की वैल्यू टू रखी तब वाई की वैल्यू कितनी आई थ्री आई तो देखिए एक्स इज इक्वल टू टू वाई इक्वल टू थ्री आया एक्स के बराबर दो रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आई थ्री आई इसी प्रकार से यहाँ हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस प्रकार से रखते जाएंगे और आगे आप अब वैल्यू रख के देख लेना सिर्फ एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू आपको है थ्री रखेंगे तो यहाँ पाँच गुणे तीन होगा प्लस दो बटे चार देखिए जैसे यहाँ पांच गुणे दो था तो इसे हल करने के बाद वाई की वैल्यू आ जाएगी तो अब इसे हम हल करते हुए डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं ये दो तीन वैल्यू हमने निकाल के देख ली एक्स का वैल्यू माइनस टू रखने पर वाई की वैल्यू माइनस टू आई और एक्स की वैल्यू सिक्स रखने पर वाई की वैल्यू एट आई ऐसे ही आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं तीन चार पाँच छः जितने भी वैल्यू निकाल लेंगे उतनी वैल्यू निकाल के देख लें माइनस एक माइनस दो माइनस तीन प्लस एक प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसी प्रकार से हम अब दूसरी रेखा के समीकरण की वैल्यू निकालेंगे एक्स का वन कुछ भी रख दो वन टू थ्री हम एक आध पॉइंट ऐसे भी लेंगे जो इससे मिलते हों ऊपर वाले समीकरण से मिलते हों अब दूसरी रेखा के समीकरण में भी हम एक्स की वैल्यू एक बार चेक कर लें रखें यदि हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस चार यदि हम यहाँ पे रखेंगे एक तो आएगी माइनस दो यदि हम रखेंगे यहाँ पर दो तो एक्स की वाई की वैल्यू कितनी आएगी यदि एक्स की हम वैल्यू रखें दो दो नहीं चार चार में से चार घटे जीरो बचे चलिए तो हम लिख देंगे माना x बराबर माना x बराबर कितना दो तो y बराबर कितना आएगा दो गुणा दो माइनस चार चार माइनस चार तो y इज इक्वल टू जीरो वाई बराबर कितना आ रहा है जीरो आ रहा है कब आ रहा है जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी दो रखी इसी प्रकार से हम इसके अनुमान मान भी निकाल लेंगे इसे हमने नोट कर लिया अन्य पॉइंट भी आप लोग निकाल के देख लीजिए कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं माइनस के प्लस के जो भी निकालना है वो निकाल लीजिए और कुछ पॉइंट इसमें से मिलते जुलते हैं ऊपर वाली रेखा से इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई पहले समीकरण की पहले समीकरण की है ब्लैक कलर के में। और दूसरे समीकरण की है ब्लू कलर के डिब्बे में अब पहले समीकरण के जो डिब्बा है ब्लैक कलर का उसके जो पॉइंट हुए उसको हम ग्राफ पर रखेंगे और दूसरे समीकरण के जो पॉइंट प्राप्त हुए उसे भी हम ग्राफ पर ही रखेंगे ये जो पॉइंट है अलग अलग ब्लैक कलर का जो डिब्बा है वो वर्ग रेखा का समीकरण है और ब्लू कलर का जो डिब्बा है वो इनके पॉइंट के अनुसार हमने अलग अलग ब्लैक कलर का डिब्बा था उनके पॉइंट के अनुसार देखिए सिक्स पॉइंट एट बना था टू पॉइंट थ्री बना था माइनस टू माइनस टू बना था इसके पॉइंट के अनुसार हमने ब्लैक कलर की रेखा आरेखित कर दी और जो दूसरा समीकरण था उसका जो दूसरा डिब्बा बना था तो इसके अनुसार हमने पॉइंट बाई पॉइंट ज़ीरो पॉइंट माइनस फोर टू पॉइंट ज़ीरो और सिक्स पॉइंट एट इसके अनुसार ये रेखा खींच दी और जो रेखा जिस समीकरण की है वो समीकरण लिख दिया ये जो रेखा है इस समीकरण की फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ये इसकी है इसको इस टाइप में इसलिए लिख लिया क्योंकि हम समीकरण को हमेशा दो चर का रेखक समीकरण ही लिखेंगे ऐसा नहीं कि इस रेखा करते बनाते समय रेखा के ऊपर ये वाला लिखेंगे नहीं चार गुणे वाई चार वाई और फाइव एक्स भी रहेगा और में जीरो रहेगा बराबर में क्या रहेगा जीरो रहेगा तब वह हमारा रेखक समीकरण माना जाएगा तो दो चर के रेखक समीकरण के रूप में चेंज करके ये इस समीकरण की रेखा है और ये इस समीकरण की रेखा है हमारा प्रश्न ये था कि भिन्न के अंश बाहर में दो जोड़ने पर भिन्न कमान चार बटे पाँच हो जाता है और चार घटाने पर भिन्न कमान एक बटे दो हो जाता है इससे हमने पहले एक रेखा का समीकरण बनाया समीकरण बनाने के बाद समीकरण बनाने के बाद दोनों जो पहला और दूसरा रेखा का समीकरण बना इनका फिर हमने तीसरा और चौथा समीकरण बनाया वाई के बराबर में और फिर यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू अपने मन से रखते गए वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू और यहाँ पर वैल्यू रखते गए उसके ये जो वैल्यू रखी उसको हमने ग्राफ पे रेखा बना ली तो पहले हमने क्या किया इस को समीकरण में बदला इस क्वेश्चन को समीकरण में बदला पूरे समीकरण को फिर बाई के बराबर में बदला बाई के बराबर में बदलने के बाद हमने इसको इसमें बदला बर्ग पॉइंट बाई पॉइंट लिखा और फिर उसका हमने रेखा बना फिर बाद में आपकी ये रेखा बन गई अगला क्वेश्चन वो अगले वीडियो में धन्यवाद रज के रुलाया रज के हसाया मैंने दिल खो के इश्क कमाया मांगा जो सुने एक सिताराने ज़मीन पे चांद बुलाया जो